एफएनबी न्यूज़ के नाजरीन, आपको उकाड़ा के एक नवाही इलाका में पेश आने वाले नहायत अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े से आगाह करूंगा। उकाड़ा के नवाही गांव 25-2R में घरेलू नाचाकी पर जालम बाप ने 1.5 साल बेटे सारम को फायर मारकर कत्ल कर डाला। मुलजम मकसूद और उसकी बीवी सबा के दरमियान नाचाकी चल रही थी। लड़की सबा के ससुराल में मनाने के लिए आने वाले खामद के साथ जाने से इनकार पर मुलजम मकसूद तैश में आया और उसने तैश में आकर 1.5 साल बेटे को फायर मारकर कत्ल कर डाला, जबकि खुद वो ताहाल फरार होने में कामयाब हो गया। ताहम मुकामी पुलिस उसके पीछे है और बहुत जल्द ये तवक्को जाहिर की जा रही है कि मुलजम जो है वो सलाखों के पीछे होगा। उकाड़ा के नवाही गांव 25-2R में घरेलू झगड़े पर 1.5 साल बेटे सारम को फायर मारकर बाप ने कत्ल कर डाला। 1.5 साल बच्चा अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गया और उसको जब शदीद संगीन जख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया, नन्ना फूल जो था वो उससे कबली हस्पताल पहुंचने से कबल ही मुरझा चुका था, यह भी इजराए का कहना है। मुलजम जो है वो फिलहाल मौके से फरार होने में कामयाब तो हो गया, ताहम मुकामी पुलिस की जानिब से छापों का सिलसिला जारी है और मुलजम की बहुत जल्द गिरफ्तारी भी अमल में आ जाएगी। पुलिस राय के मुताबिक इस वक्त जो है वह मुलजम मौका से फरार होने में कामयाब तो हो गया, ताहम बहुत जल्द मुलजम जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वह सलाखों के पीछे होगा और उसे कानून के मुताबिक करार वाकई सज़ा दी जाएगी। मियां बीवी के दरमियान अरसा दराज से झगड़ा चल रहा था। मुलजम मकसूद अपनी बीवी सबा रानी को ससुराल से लेने आया था। बीवी के इनकार पर बेटे को फायर मारकर मौत के घाट उतार दिया। और मैं की दसदा, और मेरा पुत्र ये रहा, मेरा बताए दा पुत्र आ, ओए दी एंदी बहन ने सा के ले गया, ओए उनके बदले मैं देख गई, और मेरा प्यो गरीब आ, मेरे को बरा कोई नहीं, और मैं ने मारे कुत्ते औलाद हो गई, मैं कह मेरी औलाद नु का सामना पराई औलाद है कोई नहीं सामना, मैंने तो रख ले से मेरे पराई औलाद ना रख से मेरे पिता है फायर क्यों मारा है? फायर मारा है नचा के। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम इंसाफ चाहते हैं। आज ही पंजाब से